Welcome once again YouTube channel students. In the previous video we have studied about chapter 13 surface and volume और हमने already दो solid figures के बारे में हमने formulas को discuss किया, उनको derive किया. इसके आगे के कुछ और हमारे पास जो solid figures हैं, आज हम उनको study करेंगे, उनके बारे में formulas को देखेंगे, इनका formulas and derivation किस तरह का है, कैसा है. क्योंकि इस chapter के अंदर हमें सबसे पहले requirement होगी जो surface and volume निकाल रहे हैं. सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए सॉलिड फिगर्स जितनी भी हैं उनके फॉर्मूलेज हमें आने चाहिए. क्लियर है? तो इसके बाद में अगला मैं सॉलिड फिगर को लेकर चल रहा हूं. थर्ड सॉलिड फिगर हमारे पास आता है सिलेंडर. सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के डेफिनेशंस की बात करें, इट इज अ पैरेलल पाइप हूज बेस एंड टॉप बोथ आर आइडेंटिकल सिमिलर या पैरेलल. तो अगर हम ये बात करते हैं दोनों शेप के लिए, देखिए फॉर्मूला कैसा इसका ड्राइव होगा. फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है. दिस रेक्टेंगुलर शीट ए बी सी डी. रेक्टेंगुलर शीट में क्या होगा हमारे पास? लेंथ और ब्रेथ. इसमें केवल लेंथ होगी और क्या होगी? ब्रेथ. क्लियर? नाउ व्हेन इट मूव्स, व्हेन इट फोल्ड अलोंग इट्स लेंथ. अगर हम इसको लेंथ के रेस्पेक्ट में इसको फोल्ड करते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से आएगी. मैंने इसी रेक्टेंगुलर शीट को अलोंग इट्स लेंथ के रेस्पेक्ट में इसको फोल्ड किया. नाउ फाइनली इसको मैंने पूरा कवर कर दिया. जब पूरा इसको मैंने कवर किया तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी. क्लियर? नाउ इस तरह से इसको मैंने कवर कर दिया. तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो मेरी लेंथ थी, लेंथ ये धीरे धीरे किसमें कवर हो गई है? एक कर्व के अंदर. और फाइनली ये लेंथ कन्वर्ट हो गई एक पूरे रिंग्स के फॉर्म में. ठीक है? तो ये जो एल है, दिस इज एल, इट बिकम्स, क्योंकि अभी अपने आप एक रिंग है. और ये रिंग क्या है? इट इज रिंग. और रिंग का लेंथ जो बन जाती है, रिंग क्या है? एक सर्कमफेरेंस है, यानी कि सर्कल का वो हिस्सा जो एक पूरी लेंथ है, और उसको हम बोलेंगे दिस इज सी सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr. यानी कि अभी मैं कह सकता हूं जो एल है वो कन्वर्ट हो जाएगी सर्कमफेरेंस में, क्योंकि रिंग है और रिंग क्या होता है? सर्कल. और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr. नाउ दिस इज ब्रेथ. अब ये जो मेरी ब्रेथ थी, ये ब्रेथ किसमें कन्वर्ट हो गई? यहां से सिलेंडर में हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है? जो ब्रेथ है कन्वर्ट होगी इसमें हाइट में. Now, अब मुझे इसका एरिया निकालना है. एज वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एल इंटू बी. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. अब दोनों में कंपेयर करें, यहां पर अगर इसका हम एरिया निकालते हैं, द एरिया कर्व सरफेस एरिया. ठीक है? तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? मैं लिखता हूं एल इंटू बी में. सो वॉट अबाउट इस एल? एल की फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर, क्या है? 2πr. और जो बी था वो क्या बन जाएगा? एच. तो उसका फॉर्मूला बना 2πrh. क्लियर है? यानी कि सिलेंडर के सर्कमफेरेंस का जो एरिया होगा वो होगा 2πrh. नाउ अगेन नेक्स्ट मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए समझिए, यहां पर जो मैंने सीएसए लिखा है इसको हम लेटरल भी कहते हैं. लेटरल, जैसे हमने लास्ट पिछली वीडियो बताया था, लेटरल का मतलब ओनली फोर वॉल्स थी, ऊपर और नीचे दोनों ओपन होता, ओपन था. इसी तरह से मान लीजिए पाइप एक सिलेंडर है. ठीक है? एक ऐसा सिलेंडरिकल बॉक्स है जो ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी, यानी पाइप का काम कर रहा है. सो नाउ टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में अगर हमें इस पाइप को ऊपर से भी बंद कर दें और नीचे से भी बंद कर दें, तो दोनों पार्ट इसके जो बनेंगे वो क्या होंगे? इस तरह के सर्कल से इसको कनेक्ट किया जाए तो ये दोनों पार्ट क्या है? ये क्या है? एक सर्कल. और ये भी क्या है? सर्कल. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आप पढ़ चुके हैं इसको. तो टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा आपका, ये बन जाएगा सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स. एरिया ऑफ टू एंड्स यानी कि दोनों तरफ के एंड्स का एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया भी हमने कैलकुलेट किया कितना? 2πrh प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स यानी कि दोनों सर्कल है तो 2 into πr². अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2πr. तो फॉर्मूला क्या बना? एच प्लस आर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. अब ये मेरे पास सरफेस एरिया भी कैलकुलेट हुआ, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया इसका. अब मैं बात करता हूं उसके वॉल्यूम की. सो हाउ कैन फाइंड द वॉल्यूम?
वी नो दैट द वॉल्यूम क्या होता है इसका एल इंटू बी इंटू एच। अब यहां अगर मैं एल इंटू बी की बात करता हूं तो एल इंटू बी का मतलब होगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है हमारे पास एल इंटू बी। अब सिलेंडर का जो बेस है, सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल। तो इसका मतलब जो एरिया बेस एरिया क्या है, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या होगी एच। तो फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर एच, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है चलिए नाउ इससे आगे मैं बात करूंगा होलो सिलेंडर को लेकर के। तो होलो सिलेंडर में क्या है कि होलो सिलेंडर क्या है, किस तरह का होगा कि मान लीजिए सिलेंडर के अंदर हमने दूसरा सिलेंडर इंसर्ट किया, तो दोनों सिलेंडर्स की अगर मैं बात करता हूँ दोनों सिलेंडर के बीच में गैप होगा और उस गैप को अगर मैं फिल कर देता हूँ किसी भी पार्ट से, किसी भी सॉलिड मटेरियल से, तो अब ये क्या हो जाएगा एक तरह से विड्थ बन गई इसकी, ये सॉलिड होगा, यानी कि कैसा मोटा पाइप जिसके अंदर थिकनेस हो। तो उस थिकनेस के लिए मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी थिकनेस को पूछा जाता है कि टोटल इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए दो यहाँ पर दो रिंग है, अगर मैं इस सरफेस को फ्रंट व्यू में लेकर देखता हूँ तो फ्रंट व्यू में जो उसका सर इसका फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्लियर है। यानी कि एक अंदर का सिलेंडर और एक आउटर रिंग। तो अंदर के रिंग के लिए रेडियस क्या होगी, मान लीजिए इसकी जो रिंग है रेडियस है वो आर है और बाहर के लिए रेडियस क्या है कैपिटल आर, इसको मैंने मान लिया। अगर अंदर के सिलेंडर की जो रेडियस आर है तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, तो इसका सी एस ए क्या होगा, इसका सी एस ए बन जाएगा टू पाई आर एच। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, जो हाइट आउटर की होगी वही हाइट अंदर की भी होगी, सेम हाइट दोनों के लिए, तो हाइट में नो चेंज बट रेडियस में चेंज हो जाएगा। अंदर के लिए स्मॉल आर होगी रेडियस हमारी और बाहर के लिए अब इस आउटर पार्ट का जो सरफेस एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा टू पाई आर एच। ठीक है, तो अंदर का भी सरफेस एरिया निकाल दिया, आउटर का निकाल दिया, लेकिन अब बचा एरिया ऑफ थिकनेस कौन सा, ये वाला। अब इस पार्ट का भी एरिया हम निकाल लेते हैं, तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस, एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ थिकनेस। तो एरिया ऑफ थिकनेस में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रिंग यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर रिंग पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा पाई, तो अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर। जब ये मेरे पास आ गया थिकनेस मुझे मिल गई, अब ये दोनों थिकनेस दोनों साइड से होगी, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, तो इसके मतलब मेरे पास क्या थिकनेस होगी दो। तो अब मैं निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर एंड प्लस टू इंटू एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ टू एंड्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ इसको टू एंड्स डाल दो, एरिया ऑफ टू एंड्स और ब्रैकेट में लिख दो थिकनेस, यानी कि दोनों की थिकनेस का। अब इनकी वैल्यू पुट करते चले जाए, एरिया ऑफ काउंटर सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा टू पाई कैपिटल आर एच, एरिया ऑफ इनर का क्या हो जाएगा टू पाई स्मॉल आर एच एंड टू इंटू एरिया ऑफ थिकनेस अभी हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इनमें से क्या कॉमन है, मैं टू पाई कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचा आर एच प्लस आर एच प्लस और ये बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हुआ एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है। नाउ इसके बाद में सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक और सॉलिड फिगर जो आपको मैंने बताया सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर में आपको पूरी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, इसका डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया किस प्रोसेस का इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और सिलेंडर के आपको मैंने बता दिया, थिकनेस के बारे में आपको बता दिया। तो ये जितने भी इसके अलावा हमारे पास दो तीन सॉलिड फिगर्स और रह जाते हैं, उन दो तीन सॉलिड फिगर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप ये वीडियो जितने आपको मैंने समझाया वीडियो में ये सब आपको समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।